अब सबसे पहले हम मसल्स के बारे में हमने जनरल पढ़ लिया, उनका इंट्रोडक्शन वगैरह, मसल्स की टाइप्स। अब हम जो है उसकी कंपैरेटिव एनाटॉमी की किताबें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। अब वो जो हम उनको उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लोकोमोशन में यूज होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो उसमें जो मूवमेंट के लिहाज से हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमने जो मसल्स को पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट में जो मसल्स जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और जो वर्टिब्रेट में मसल्स मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्केलेटल सिस्टम, उनमें दो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले क्या डिफरेंस है कि इनवर्टिब्रेट में एटलीस्ट टू मोटर नर्व्स प्रेजेंट होती है एक सिंगल मसल फाइबर के साथ, ठीक है। और इसकी बनिस्बत जो के वर्टिब्रेट सिस्टम है, अभी हम वर्टिब्रेट का मसल जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ उसके अंदर जो है जस्ट वन मोटर नर्व मौजूद होती है तमाम मसल फाइबर के लिए, ठीक है। टिपिकल मसल फाइबर के साथ जो है वहां पर जो है एक मोटर नर्व मौजूद होती है, इसमें जो है टू मोटर नर्व है। अब जब टू मोटर नर्व मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मसल्स है ये दो तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनर वेट है, इनर वेट का मतलब है कि उन्होंने उसको वो किया हुआ है, पूरा जाल बिछाया हुआ है मसल फाइबर के साथ, वो कनेक्टेड है मसल फाइबर को, उन्होंने जाल की तरह जैसे तारों का जाल बिछा हुआ होता है इस तरह बिछाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो दो मोटर नर्व है इनमें से एक मोटर नर्व जो है वो फास्ट कंट्रेक्शन कराती है और अदर स्लो कंट्रेक्शन, ठीक है। यानी कि लेकिन जो है मैमल ये वर्टिब्रेट्स है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें एक ही होता है, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि कितने दफा वो आ रहा है हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। और इनकी जो मूवमेंट है फास्ट या स्लो वो डिपेंड करती है कि कौन सा मोटर नर्व जो है वो जो है सिग्नल रिसीव कर रहा है। एक अगर रिसीव करेगा तो उसे फास्ट कंट्रक्शन होगी और दूसरा जब रिसीव करेगा तो स्लो कंट्रक्शन होगी, ठीक है। एक ये वेरिएशन है इसकी किससे, वर्टिब्रेट से, ठीक है। दूसरी वेरिएशन इनमें क्या है कि वर्टिब्रेट में जो स्केलेटल सिस्टम है वो सारे के सारे वॉलंटरी यानी कि नर्व सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, चाहे जो बर्ड्स हैं जिनके अंदर विंग्स भी हैं तो विंग्स का भी जो मसल है वो स्केलेटल मसल जो है वो ब्रेन के साथ ही अटैच है, कोई भी इनवॉलंटरी एसिंक्रोनस नहीं है। लेकिन इनके अंदर जो है जो होते हैं इनवर्टिब्रेट और खसूसी तौर पर इंसेक्ट्स जो फ्लाइंग जिनके अंदर फ्लाइट मसल्स होते हैं उनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो एसिंक्रोनस कहलाए जाते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब है, सिंक्रोनस का मतलब है लिंक होना, ब्रेन के साथ लिंक इनका नहीं है तो हम उसके साथ ए लगा देते हैं, ए का मतलब है ना होना लिंक, ठीक है। सिंक्रोनस नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब अपवर्ड विंग मूवमेंट होती है, ठीक है, जब विंग है, ठीक है, आपको पता है कि इस तरह विंग है तो अगर उसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस तरह करके डॉटेड लाइन में बना दिया, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट जो हुई है ना ये तो हुई है ब्रेन के ऑर्डर की वजह से, मसल्स ने इसको विंग को ऊपर उठाया, ठीक है। अब जो होते हैं ना वर्टिब्रेट्स उनमें जब विंग नीचे जाता है जो मसल्स है उन वो उसी तरह जाते हैं जैसे कि ब्रेन का ऑर्डर आता है, लेकिन इसमें जो होता है ना ये अपवर्ड मूवमेंट होना, ये जो यहाँ पे मसल्स इसके साथ अटैच है जो इसको विंग को नीचे करते हैं वो जो है ना मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होना वो एक कॉज कराती है उसको कि जो उसके लोअर मसल्स है ना वो एक्टिवेट हो जाए और डाउन स्ट्रोक हो। डाउन स्ट्रोक का मतलब है कि फिर ये जो विंग है वो नीचे को आ जाए इस तरह। अब ये किस तरह होगा कि विंग ने पहले अपवर्ड मूवमेंट की है वो तो ब्रेन के ऑर्डर पे की है, ठीक है, लेकिन जब अब वो नीचे मूवमेंट इस तरह करेगा कि जो मसल्स हैं उसके वो कंप्रेस होंगे, जब मसल्स कंप्रेस होंगे तो उसे नीचे आना। अब ये जो मसल्स की कंप्रेशन होती है ये ऑर्डर इनके पास ब्रेन से नहीं आता बल्कि जो के विंग की अपवर्ड मूवमेंट होती है ना यही एक्टिवेट करा देती है मसल्स को, जिसकी वजह से ये डाउन स्ट्रोक यानी कि मसल्स के विंग नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इन मसल्स को क्या कहते हैं, फ्लाइंग मसल्स को, एसिंक्रोनस के पोजीशन है विंग की, जब ना वो अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, ठीक है। फिर जब अपवर्ड हुआ तो अपवर्ड होना जो है ना एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से
जो है विंग मसल्स या फ्लाइट के मसल जो है खुद ब खुद उस विंग को नीचे ले आते हैं, ब्रेन का इसके पास ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, और ये किसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया गया है, एक जो है मिच, ठीक है, यानी कि जो मॉस्किटो की फैमिली से ताल्लुक होता है, डिप्टेरियन है, डिप्टेरन, ठीक है, वो जो है ना बगैर नर्व अपने ब्रेन की एक्टिविटी के बगैर उसकी फ्लाइट मसल्स की जो है ना हो जाती है मूवमेंट होती है, और ये कितना जो है 1000 टाइम्स इन अ सेकेंड, यानी कि इतना तो ब्रेन भी ऑर्डर नहीं दे सकता, तो जितनी दफा ऊपर जाता है इतनी दफा नीचे किसकी वजह से आ जाता है, जो के फ्लाइट मसल्स की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से डाउन स्ट्रोक भी हो जाता है।